కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం ముగిసింది. కేంద్ర మంత్రులు అనురాగ్ ఠాకూర్, కిషన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే చూద్దాం. లేకన్ ఉస్ సమయ ఆంధ్ర కి సర్కార్ కోర్ట్ చలే గయి ఔర్ సుప్రీమ్ కోర్ట్ నే ఉస్ పే స్టే దే ది ఔర్ పబ్లిష్ రిపోర్ట్ నహీ హో పాయి. అబ్ 2014 కే బాద్ తెలంగాణ రాజ్య కా గఠన్ భీ హువా ఔర్ ఇస్కే చల్తే వాటర్ ఎలోకేషన్ నహీ హో పాయా. ఏక్ బార్ ఫిర్ జబ్ इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई. अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया. ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था. अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से अवांटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा. तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई. उस तरह से एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में यह प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी. आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में. तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरका तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे समकक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है. इसके विस्तार में माननीय कृष्ण रेड्डी जी आपको बताएंगे.